वी विल स्टार्ट अवर बेल बॉटम पैंट। आज की क्लास में हम बेल बॉटम पैंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फैब्रिक यूज करेंगे डेनिम। वी विल यूज द डेनिम फैब्रिक। ये डेनिम फैब्रिक यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का लिया है। आई टेकन ब्लैक कलर द डेनिम फैब्रिक 1.5 to 2 meter अकॉर्डिंग टू फैब्रिक विड्थ। माई फैब्रिक विड्थ इज 16 इंच। फैब्रिक की चौड़ाई जितनी है उसके जितना हम फैब्रिक लेंगे। 60 इंच की मेरी चौड़ाई है तो मैं यहाँ पे 1.5 meter फैब्रिक लूँगी, 1.25 meter से 1.5 meter। एंड वी विल यूज द सेम ड्राफ्टिंग अवर सीग्रेट पैंट ड्राफ्टिंग, फिटेड पैंट ड्राफ्टिंग। जो फिटिंग वाली पैंट की ड्राफ्टिंग थी वही पैंट की ड्राफ्टिंग हम यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कटिंग। देखो इस तरह मैंने डबल फोल्ड किया है लेंथ के अकॉर्डिंग, और इस तरफ मेरा स्ट्रेचेबल है। हियर माय फैब्रिक इज स्ट्रेचेबल ऑन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेचेबल है। इस तरह स्ट्रेचेबल होना चाहिए और इस तरफ बिना स्ट्रेचेबल होना चाहिए। तो जहाँ से स्ट्रेचेबल नहीं हो रहा वहाँ हमारी पैंट की लेंथ की डायरेक्शन रखेंगे। तो इट्स अ स्ट्रेचेबल पार्ट, सो वी विल पुट अवर पैंट ड्राफ्ट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। इस तरह नहीं रखेंगे, खड़े में बढ़ना नहीं चाहिए, आड़े में स्ट्रेच होना चाहिए। और इतने फैब्रिक में मैं इस तरह पैंट की कटिंग रख रही हूँ। सबसे पहले फ्रंट हम करेंगे मार्किंग। तो अभी इस पैंट में हमें एज इट इज मार्किंग करने के बाद एक चेंजेस करना होगा। वी हैव टू डू 1 changes आफ्टर मार्किंग एज इट इज। फैब्रिक के रॉन्ग साइड मार्किंग करेंगे ताकि राइट साइड दिखे ना। रॉन्ग साइड पे मार्किंग कर रही हूं मैं, पहले फ्रंट। अब ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेचेबल में हम क्या करेंगे, इस तरह मार्किंग करने के बाद 1/2 inches हम कम कर देंगे पैंट की ब्रॉडनेस। इट्स अ स्ट्रेचेबल फैब्रिक, सो आई विल मार्क 1/2 inches इनसाइड बिकॉज इट विल स्ट्रेच व्हाइल वेयरिंग। 1/2 inches वी हैव टू टेक लेस फ्रॉम अवर ड्राफ्ट लाइक दिस। 1/2 inches मार्किंग इनसाइड ऑल ओवर, चारों तरफ हम 1/2 inch अंदर मार्किंग कर देंगे। जो हमारी मेन मार्किंग है उससे दोनों तरफ 1/2 inch अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है और फिटेड रहेगी एकदम। जो हमने पहले पैंट बनाई उसमें हमने लूजिंग ऐड किया, शायद दिखेगा, देखो ना जाके, उधर जाके देख। दिख रहा है, नॉट इन लेंथ, लेंथ में से नहीं करेंगे हम ऐसा, सिर्फ विड्थ में से करेंगे। अगर आप की हैवी साइज है तो आप 0.25 कर सकते हैं। इन हैवी साइज वी कैन गो इनसाइड 0.5 inches। ऑल ओवर मैंने 1/2 inch अंदर मार्किंग कर दी है। इन वेस्ट लाइन यू कैन मैच विद द सेम, वेस्ट में सेम लाइन से आप मैच कर सकते हो। And also in the heavy size, you can mark from this to till this, not in the in this portion. Heavy size में यहाँ से अंदर mark नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ तक mark करके ऐसे merge कर देना तो ये portion आपका उतना ही रह जाएगा। Bell bottom करना है, so bell bottom के लिए हम knee length की marking follow करेंगे। For the bell bottom, we will follow नी मार्किंग। नी से हम हमारा बेल बॉटम करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे 3-3 inch फैब्रिक मिल रहा है तो मैं 3-3 inch बढ़ा रही हूँ। आई एम एक्सटेंडिंग बोथ साइड 3-3 inches इक्वली। यहाँ से भी 3 inch बढ़ाया, यहाँ से भी 3 inch बढ़ा रहे हैं। मार्किंग से हम मैच कर देंगे, वी विल मैच इट विथ नी फ्रॉम नी मार्किंग। इक्वल करनी है, वी हैव टू इक्वल द लेंथ।
So how much length in on this portion we have to mark here? Same, यहाँ से भी same marking करनी है, means like a curve shape, little bit curve shape आएगा here. यहाँ पे जितना मार्क मेजरमेंट आ रहा है सेम क्रॉस लाइन पे मार्क करके हमें इस तरह थोड़ा कर्व शेप में कट करना है. भी आपको 5 5 इंच एक्स्ट्रा करना है तो भी आप कर सकते हो. यू कैन टेक 5 5 इंच ऑनवर्ड फ्रॉम बॉटम. इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, आधा आधा इंच चारों तरफ से कम कर देंगे साइड में से, बोथ साइड. इन दिस ऑल्सो वी विल टेक लेस फ्रॉम बोथ साइड. मेक श्योर यू आर नॉट पुटिंग योर ड्राफ्ट लाइक दिस. इस तरह तिरछा नहीं रखना है, सीधी डायरेक्शन रखनी है. मान लीजिए ये मेरी लाइन सीधी है, ठीक है, ये हमारी क्रॉस है, इसको ऐसे नहीं रखना है. वी डोंट हैव टू पुट लाइक दिस. दिस लाइन वी हैव टू पुट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. ये वाली लाइन को हम फॉलो करना जो हमने फ्रंट का ट्रेस किया. अब जो पिंक मार्किंग है वो मेन मार्क, ये ड्राफ्टिंग वाली मार्किंग है, और ग्रीन मार्किंग हमारी कटिंग वाली मार्किंग होगी. द ग्रीन मार्किंग विल बी द कटिंग मार्किंग एंड द पिंक मार्किंग इज बेस मार्किंग. एंड इन दिस वी आर नॉट मेकिंग विथ बैक इलास्टिक. बैक इलास्टिक हम नहीं करने वाले हैं. तो हमें क्या करना है, जितना हमारा फ्रंट है, हाउ मच इज द फ्रंट, वी हैव टू कट द बैक. सेम, मेक श्योर योर वेस्ट इज नॉट लेस. वेस्ट कम नहीं हो रही है, इसका हमें ध्यान रखना है. तो इस अंदर वाली मार्किंग को हमें वेस्ट वाली मेन मार्किंग से इस तरह मैच कर देना. वी हैव टू मैच द इनसाइड मार्किंग ऑन द मेन वेस्ट मार्किंग. वेस्ट विल बी द सेम अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट. ड्राफ्टिंग में जितनी वेस्ट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें डार्ट्स भी डालना है. वी हैव टू ऐड द डार्ट ऑल्सो. तो वेस्ट में आके हमें प्रॉपर ही मैच कर देना है. बना लेंगे क्रॉच वाले एरिया से हमें मार्क करना है वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 स्टिचिंग + 1 डार्ट. इलास्टिक वाला हटा देना है, इलास्टिक पार्ट वी हैव टू रिमूव. तो वेस्ट डिवाइड बाय 4 + 2 इंचेस फ्रॉम क्रॉच एरिया. क्रॉच एरिया से वेस्ट का चौथा भाग +2 इंच मार्क करेंगे और उसे हिप वाले पोर्शन से इस तरह मैच कर देंगे आधा इंच अंदर. We have to match on the hip portion 1/2 inches inside. रही हूँ कि फ्रंट में हमारी वेस्ट की मार्किंग कम नहीं होनी चाहिए. इसके लिए यहाँ से अंदर अंदर से आते हुए मैंने वेस्ट में मैच कर दिया. I had matched this inside marking from on the waist properly. और इसमें भी इसमें इलास्टिक वाला पॉइंट यहाँ तक है. इन द बैक इलास्टिक मार्किंग इज टिल दिस पॉइंट, सो आई हैड मार्क्ड अकॉर्डिंग टू माय वेस्ट मेजरमेंट बिकॉज इट्स अ बेल्ट पैंट. ये बेल्ट वाली पैंट बनने वाली है, तो इस मार्किंग को हमें हिप में इस तरह मैच करना है. वी हैव टू मैच लाइक दिस. स्ट्रेचेबल फैब्रिक में हमेशा इसी तरह करना है लाइक इन द लेगिंग्स. कंफ्यूजन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर. वहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक मैंने बेल्ट के लिए रख दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर द बेल्ट देयर. अब बैक में भी
शेप निकल रहा है, मैंने नी से कर दिया, हमें थाई से भी हम कर सकते हैं। आई हैड टेकन फ्रॉम नी, ऑल्सो यू कैन टेक अ बॉल बॉटम शेप फ्रॉम थाई, थाई से भी बेल बॉटम कर सकते हैं। उनसे गलत कर दिया क्या मैंने? यहाँ पे फ्रंट और बैक में इतना डिफरेंस आ रहा है। अभी बेल्ट कट करना है, वी हैव टू कट द बेल्ट। तो 3.5 inches ब्रॉड, 4 inches ब्रॉडनेस, 4 inch में ब्रॉडनेस ले रही हूँ। फोर इंचेस ब्रॉड बेल्ट, दिस पॉकेट और जिप भी हम करेंगे इसके अंदर। अगर आपको हाई वेस्ट बनानी है, इफ यू वांट टू मेक अ हाई वेस्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा लेंथ फ्रॉम हियर। यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंथ ले लेंगे हाई वेस्ट के लिए, लेकिन पहले से ही हमें हाई वेस्ट कट कट हाई वेस्ट मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि क्रॉच छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्राफ्ट दिस एंड देन यू कैन एक्सटेंड द लेंथ फॉर हाई वेस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द वेस्ट। उसके हिसाब से आप वेस्ट मार्क कर सकते हो हाई वेस्ट के अकॉर्डिंग।